हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। एनडीए का ही क्वेश्चन है ये, 2015 में आया था। 2015 का जो सेट डी का क्वेश्चन है, सितंबर के महीने में जो एग्जाम हुआ था, उसका जो बुकलेट सीरीज डी है वह का क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 17, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 17 में है सेट डी पर, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। एंड फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 5 स्क्वायर यूनिट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देन इज गिवन। तो हमको क्या करना है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हमको फाइंड करना है जो पहले तो ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के साथ, और कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये, मतलब अगर आप सॉरी कोई भी नहीं, अगर आप समझ कर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। मुझे तो लगता है एक्स एक्सिस होगा, तो जो भी है वो कोई बात नहीं है। तो उसके साथ मिलकर एक ट्राइंगल बनाता है ये, मतलब कि सपोज अगर ये लाइन होता है, सपोज ये 5x-y=0 जो है वो है ये लाइन, ठीक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर। देन अब ये जो परपेंडिकुलर हुआ, एक्स एक्सिस सपोज यहाँ से गया एक्स एक्सिस, देन यहाँ पर एक ट्रायंगल हुआ ना, इस ट्रायंगल का एरिया है 5। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो, मतलब आप क्वेश्चन को देख करके आंसर ही बता सकते हैं, देख करके ही बोल सकते हैं कि यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह क्वेश्चन ये है, देखिए मैं इसको एक सेकंड में नहीं लेगा मुझे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे बातें बताई कि परपेंडिकुलर, ट्रायंगल, एरिया है ना, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे आप इस लाइन का जो क्वेश्चन है, इस लाइन के नहीं, जैसे भी तरह की प्रॉब्लम हो आप इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले देखिए यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि यह लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब कि 5x-y=0। अच्छा, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, ठीक है। तो उनका हम जनरल फॉर्म जानते हैं कि ये जो कोफिशियंट है ये y से मल्टीप्लाई होता है, y का कोफिशियंट x से मल्टीप्लाई होता है, बीच का ये साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगा x+5y=d, बाकी बस जो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर d या फिर k, जो आपका मन चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, मतलब कि जो मुर्दे की बात है वो है x+5y=d है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, हमको यही फाइंड आउट करना है। मतलब हमको ये d है ना, ये d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए x+5y=d है क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं x+5y=d, इससे देखिए केवल एक ही ऐसा प्रॉब्लम, एक ही ऐसा आंसर है जो इससे मैच खाता है। अब डी तो कांस्टेंट है, डी की वजह से ना एक्स चेंज होगा ना वाई चेंज होगा, ठीक है, डी का जो भी वैल्यू आए कोई बात नहीं, बट ये आर ऑलवेज फिक्स्ड x+5y। अब देखिए यहाँ पर x+5y है, बट यहाँ पर x-5y, 5x+5, ये जो तीनों हैं ये गलत है, ये इनसे मेल नहीं खाता। बट ये जो क्वेश्चन नंबर ए है, मतलब आंसर ए है, ये उसका पहले है x+5y। अब डी से हमको क्या लेना देना है, डी जरूर 5/2 ही आएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जस्ट क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि सपोज बार परपेंडिकुलर का कभी कह सकता है कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो अब यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए आंसर जो है वो चारों में से कौन सा है जो बहुत, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो मैंने किया कि यहाँ पर x+5y एक ही है, बाकी सब उल्टा पल्टा है, मतलब कि एक भी परपेंडिकुलर नहीं है उसके ऊपर, तो इससे हम बता सकते हैं कि यही है आंसर,
ठीक है। तो ऐसे ही ठीक, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एक बार आंसर की तरफ भी देखिए कि इनमें से कोई हो रहा है, मतलब कि आप देख करके बता सकते हैं ऐसा कोई आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए, यह हमको करने की, ये क्वेश्चन हमको करने का कोई भी मतलब कुछ भी करना नहीं पड़ा, जस्ट ऑब्जर्वेशन से हो गया, ठीक है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आप भी कोई लाइन का क्वेश्चन है तो देखिए ऐसे तरह से होता है, हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।